गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू पीडी क्लासेस दोस्तों रेलवे इंजीनियर रेलवे की रेलवे के अंदर मैक्सिमम पोस्ट के अंदर इंटरव्यूज नहीं होते हैं पर मुझे उम्मीद है ये टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन हमारे उन बच्चों को बहुत बेनिफिट देंगे जो रिटर्न एग्जाम कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू भी अगर किसी के लिए जा रहे हैं तो उनको जरूर बेनिफिट मिलेगा क्योंकि बहुत से टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन आज मैं पूछने वाला हूँ यदि आपके पास भी कोई इंटरव्यू है दोस्तों और आपको लगता है कि इस इंटरव्यू के बारे में पीडी क्लासेस पर अभी तक वीडियो नहीं है तो बिल्कुल आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और बताना चाहूंगा हमारे दोनों चैनल पीडी क्लास और इंटरव्यू गाइड पर आप कार्ड रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बॉडी लैंग्वेज के देख सकते हैं बहुत कुछ फांसी प्रयोग को सीख भी सकते हैं चलिए मोनिका सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ थैंक यू सर मोनिका आज जो हमारा सेशन है वो रेलवे टेक्नीशियन रेलवे इम्प्लायो बेस्ड है तो रेलवे मेंटेनेंस टेक्नीशियन तो इसका जो वर्क प्रोफाइल है इसके बारे में सब कुछ बताइए आप सर इन ट्रैक्शन और रोलिंग स्टॉक टेक्नीशियन और इंजीनियर भी कहा जाता है ओके ट्रैक्शन यस सर ओके ओके सर इनका कार्य होता है जो रेलवे इक्विपमेंट्स और मशीनरी है उनको क्लीन करना रिपेयर करना सर्विस करना और मेंटेन करने का वर्क करते हैं इनका वर्क इंजन वैगन रोलिंग स्टॉक्स एंड क्रेन पर होता है okay. इनका मेनली ये डीजल डीजल इंजन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंजन जो होते हैं उन दोनों में वर्क करते हैं okay. और सर ये ट्रेन के इक्विपमेंट्स को क्लीन करना उसके जो फॉल्ट है उसको ढूंढना और रिपेयर करना और ऑयलिंग करना का वर्क करते हैं और कुछ पार्ट में अगर ज्यादा डिफॉल्ट है तो उसको रिप्लेस करने का वर्क भी करते हैं ओके okay. चलिए अब हमें बताइए कि आप रेलवे रेलवे टेक्नीशियन इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं व्हाट इज द रीजन सर एक रेलवे इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसके साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी और इसमें जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो मिलती रहती हैं और मुझे लगता है मैं यहाँ ऑनेस्टली वर्क करूंगी तो मुझे यहाँ प्रमोशन के द्वारा सीनियर पोस्ट मिलती रहेगी और सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ रेलवे बहुत सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है जैसे मेडिकल फैसिलिटीज रेसिडेंशियल और एक सरकार के साथ जुड़ने मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है जुड़नेचुनिटी और मेरे स्किल्स और एजुकेशन इसके लिए रिक्वायरमेंट है okay. आपकी हॉबीज क्या सर, है सर माई हॉबीज है एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर और मेकिंग न्यू फ्रेंड्स रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स ओके तो आप नए कल्चर को एक्सप्लोर करते हो नई जाना पसंद करते हो गुड चलिए हमें ये बताइए कि रेलवे इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं सर ये होते ट्रेन okay. और रेल कार्स ट्रक ट्रक यूनिट्स okay. सर हाई रेल व्हीकल्स और लोकोमोटिव प्रोवाइडिंग फिलेट इन अ रेल सेक्शन सर ये इसीलिए किया जाता है की ताकि स्ट्रेस कंसेंट्रेशन को अवॉइड किया जा सके ओके okay. और गेस इज द डिस्टेंस बिटवीन? सर रनिंग फेसेज ऑफ द रेल्स ओके वेन द रेल एंड रेस्ट ऑन द ज्वाइंट स्लीपर्स

Metal, minerals, and etc. Okay, Monica, a treadle bar is used for sir interlocking points and signals. Okay, uh, can you tell me the different types of trains in India? Sure, sir. Sir, Yotish shatabdi Express, Maharaja Express, Dronto Express, and uh, sir Darjeeling Toy Train, Local Train, and etc. Okay, why train is called trains? सर ये लैंग्वेज से लिया गया वर्ड टेरे लिया गया वर्ड है जिसका मतलब होता है टू पुल और टू ड्रोकेस्ट फीमेल मास्टर इन इंडियन रेलवे सर ये थी रिंकू सिन्हा ना नाइनटीन नाइन्टी फोर में ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बनी थी ओके द न्यूमरल नंबर ऑफ ऑल द सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट विद विच नंबर सर वन गुड येलो लाइट एंड सिग्नल

नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ इंडियन रेलवे सर ये थे आर डी एस ओ जिसकी फुल फॉर्म होती है रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन ये सर मिनट डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यस सर चलिए बताइए क्या है सर ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए एक टेक्निकल एडवाइजर और कंसल्टेंट होते हैं ओके व्हाट एंगल शुड अ रेलवे लाइन क्रॉस अ रोड सर 90 डिग्री एंगल गुड फिश प्लेट का फंक्शन क्या होता है सर इट्स जॉइंट्स द टू रेल्स टुगेदर ओके क्या फिश प्लेट की स्ट्रेंथ रेल फ्रैक्शन से डबल होती है नो no, सर ये रफली सेम ही होती है गुड मोनिका, वेयर रेल लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड सर ये शार्प कर्व्स पर यूज होते हैं ओके okay. मोनिका बीइंग अ गर्ल आपको नहीं लगता रेलवे जॉब इज क्वाइट टफ जॉब फॉर यू आपको टीचिंग बैंकिंग ऐसे प्रोफेशन में आ जाना चाहिए

तो मुझे लगता है मैं हर तरह के लोगों के साथ वर्क करना प्रेफर करूंगी बट आप प्रेफरेंस पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं उन लोगों के साथ वर्क करना प्रेफर करूंगी जो ऑनेस्ट ऑनस्ट वर्क को लेकर फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और उन लोगों के साथ वर्क करना नहीं पसंद करूंगी जो लेजी है okay. मोनिका आप हमें ये बताइए कि हमारे पास बहुत से कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर तो कोई रीजन दीजिए हमें कि हम आपको सिलेक्ट करें उन्हें ना करें क्योंकि हमें एक ही कैंडिडेट सिलेक्ट करना है सर एट प्रेजेंट आई कॉन्ट जज अदर्स आर स्टैंडिंग एन क्यू लाइक मी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई विल जस्टिफाई यूर सिलेक्शन बाई हंड्रेड परसेंट ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी एंड आई एम डिटर्मिन डेडिकेटेड स्पेशली टूवर्ड्स माई वर्क एंड आई रियली नीड ए वन चांस टू शो माई स्ट्रेंथ क्या आप इस जॉब के लिए कहीं भी चलिए इंडिया के किसी भी कॉर्नर में वर्क कर लेंगे yes, सर

तरीके के क्वेश्चन के अंदर बहुत से बच्चे अपने बारे में कम अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा बताते हैं वो अपने बारे में दो लाइन बोलते हैं और फिर फादर क्या करते हैं मदर क्या करते हैं तो प्लीज आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि यदि इंटरव्यूर आपसे बोलते हैं इंट्रोड्यूजल तो आप अपने बारे में ज्यादा बताएंगे अपनी फैमिली के बारे में एटलीस्ट उस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी आंसर नहीं देंगे जब तक वो आपसे पूछे ना अब बात आती है कि इंट्रोडक्शन में हमें कहना क्या चाहिए तो बहुत वेज होते हैं अपने नेम को बताने के अपने नेम बताइए कॉरलेट कीजिए अपनी पर्सनलिटी से जैसे मोनिका ने बोला अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूंगा आई 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 मनोज शर्मा माई नेम मीसर ऑफ फॉर्च आई वेरी मच माई नेम इन माई कंपनी मैं बता सकता हूँ आई बिलोंग टू श्री गंगान विच इजो एस्करेशन बताऊँ मेरी हॉबीज बताऊ बता मेरा एम बता सकता हूं मेरी स्ट्रेंथ्स बता सकता हूँ पर इंट्रोडक्शन के दौरान आप अपनी वीकनेस कभी नहीं बताएंगे जब तक इंटरव्यर ना पूछे आपको अपनी वीकनेस नहीं बतानी चाहिए इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं पर्सन सर आई डोंट ट्राई टू हॉक ऑल द क्रेडिट मैं सारा श्रेय खुद नहीं रखता मिल बांट कर रखने में विश्वास रखता हूँ इस तरीके की बातें यदि आप इंटरव्यू के सामने बोलेंगे डेफिनेटली इंटरव्यू आपसे जरूर इंप्रेस होंगे और आपके इंटरव्यू को अप्रिशिएट करेंगे तो ये आपके ऊपर है कि आप अपना इंट्रोडक्शन कितना बेहतरीन बनाते हो और अपना सक्सेस पाते तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये टेक्निकल राउंड का क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिट देगा उन बच्चों को खास करके जो रिटर्न के एग्जाम दे रहे हैं अब इस वीडियो के अंदर एटलीस्ट ये ना कहिए कि नही इंटरव्यू बहुत कम होता है रेलवे में तो आप इसके लिए वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो इसीलिए बन रहा है ताकि हमारे उन बच्चों को बेनिफिट मिले जो रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हैं रेलवे के बारे में जानना चाहते हैं मुझे उम्मीद है मोनिका हमारा सेशन बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए थैंक यू थैंक यू